Dear students, welcome back in this JEE Mains paper discussion. And in this lecture, we are going to discuss 2020 8th Jan paper. 7th Jan ka paper hum already discuss kar chuke hain. Aaj hum 8th Jan ke paper ko discuss karne wale hain. Theek hai? To chaliye without wasting time, let's start. Aur haan, one more thing. Ye session kiske liye important hai? JEE walo ke liye sirf ya NEET walo ke liye bhi? Answer is, agar aap NEET ke students hain, तो भी जेई मेंस के क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और आप मान सकते हो कि ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस और मोर देन 90% क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे. कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसलिए मैंने 10% को एक्सक्लूड किया हुआ है जिसको आप स्किप कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन होता है, लेंथी कैलकुलेशन होते हैं, उस पोर्शन को आप स्किप कर सकते हो. बाकी के कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं तो भी आप जेई मेंस के 20, 19, 18 और 21 जो अभी हुआ था, इन सब के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें. और जो जेई वाले हैं उनको तो करना ही करना है. ऑलराइट, चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. माय नेम इज सुप्रीत सिंह एंड माय क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एमटेक, एंड आई एम हैविंग मोर देन 8 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को तो लाइक करना ही करना है. दिस इज टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं क्लास नोट्स अपलोड कर देता हूँ. दिस इज टेलीग्राम चैनल, दिस इज पर्सनल टेलीग्राम चैनल एज वेल एज हेलो फिजिक्स चैनल. तो आप दोनों को ही ज्वाइन कर लीजिए. दिस इज अन अकेडमी लाइक कॉम्बैट. मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये भी टेस्ट होने वाला है. दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट. इसमें आप इनरोल कराइए फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर आप टॉप में आ जाते हो तो आपको प्राइज भी मिल रहा है, साथ में आपको सबसे बड़ी चीज़ कि आपको रैंकिंग अपनी पता लग रही है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो ऑल इंडिया लेवल पे. तो फॉर दैट जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो यू कैन यूज दिस सुप्रीत 10 कोड, क्योंकि आपसे कोड पूछा जाएगा. तो यू कैन यूज सुप्रीत 10 कोड, है ना, इससे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. जो एग्जाम की डेट है वो है 7th मार्च 11 AM. राइट, चलिए, सो ये रहा टॉप 3 विनर्स. बहुत सारे प्राइज हैं, साथ साथ में स्कॉलरशिप भी है, बहुत सारी चीजें हैं. तो यहाँ पे आपको वही कोड यूज करना है सुप्रीत 10, ठीक है. लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कहाँ पे क्लिक करके आप रिडायरेक्ट होंगे. ये फॉर्मेट है 60 मिनट्स, एक घंटे का टेस्ट होता है, 28 क्वेश्चंस होते हैं. राइट, और क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा होता है तो टेस्ट की प्रैक्टिस, टेस्ट भी हो गया आपका, मतलब प्रैक्टिस भी हो गया, ऑल इंडिया रैंक भी पता लग रही है, और अगर अच्छा कर गए तो प्राइज भी है. तो विन विन सिचुएशन फॉर यू. ऑलराइट, चलिए, तो इसके अलावा भी अन अकेडमी के जो स्पेशल क्लास है इसके बारे में बताऊंगा. यहाँ पे भी मैं हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस कराता हूँ, PYQs कराता हूँ. तो यू कैन फॉलो माय प्रोफाइल बाय जस्ट एंटरिंग unacademy.com/supreet10. supreet10 इज माय कोड. आप जहाँ भी सर्च करेंगे यू विल फाइंड माय नेम. ऑलराइट, या हैपेंस क्वेश्चन के लिए काफी एक्साइटेड है. वेरी गुड, तो ये रहा क्वेश्चन. फटाफट से मुझे आंसर बताते चलिए और आगे चलते चलते हैं, ठीक है. ये रहा क्वेश्चन नंबर 1. फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा इसका. गिवन ये है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज कनेक्टेड एट वन एंड ऑफ नेचुरल लेंथ l नॉट एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k. द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट अदर एंड. द ब्लॉक इज रोटेटेड विद कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा इन ग्रेविटी फ्री स्पेस. द इलोंगेशन इन स्प्रिंग इज. सिंपल सी बात है, स्प्रिंग का एक एंड में हमने ब्लॉक बांध लिया, दूसरे एंड को फिक्स कर दिया और स्प्रिंग को रोटेट करा रहे हैं. सिचुएशन इज वेरी सिंपल कि हमने क्या किया कि एक एंड पे स्प्रिंग को बांध दिया और ये रहा दूसरा एंड, और यहाँ पे एक ब्लॉक को बांध दिया और इस स्प्रिंग को हम रोटेट करा रहे हैं विद सम एंगुलर वेलोसिटी. लेट्स टेक ओमेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ओमेगा. लेट्स टेक मास इज एम. तो क्या होगा पूछा जा रहा है कि बताइए स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन होगा. तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का है मान लो एल नॉट, ठीक है. अब क्या हुआ कि जैसे आप रोटेट कराएंगे इसको तो स्प्रिंग में एक इलोंगेशन होगा. दैट मीन्स अगर हम सर्किट डायग्राम फिर से बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि ये रहा और ये स्प्रिंग रहा, स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन हो जाएगा. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको रोटेट कराएंगे तो इलोंगेशन हो जाएगा. राइट, कितना इलोंगेशन हुआ, तो मान लिया इलोंगेशन है एल नॉट प्लस एक्स. एक्स इज वॉट इलोंगेशन, एल नॉट इज नेचुरल लेंथ, ठीक है, एम. और इसको हम रोटेट करा रहे हैं कितने से, ओमेगा से. ओमेगा से इसको हम रोटेट करा रहे हैं. अच्छा ये बताइए कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग, है ना, सर्कुलर मोशन, तो क्या आउटवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. राइट, तो यहाँ पे वी कैन यूज बाहर की और एक फोर्स एम एम ओमेगा स्क्वायर आर. आर कितना यहाँ पे, तो एल नॉट प्लस एक्स. राइट, अच्छा इनवर्ट क्या लग रहा है, इनवर्ट तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, दिस इज स्प्रिंग फोर्स. क्या मैं इन दोनों फोर्स को इक्वेट कर सकता हूँ, यस, इन दोनों फोर्स को इक्वेट करिए एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स.
इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था जिसको आप आराम से 20-30 सेकंड में कर सकते हैं। हेलो हेमंत, वेलकम। तो फटाफट मुझे बता दीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा। सो व्हाट आई कैन राइट, मैं इसको इक्वेट करा देता हूँ कि एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट प्लस एक्स, है ना। व्हाट इज एफ एस? एफ एस इज स्प्रिंग फोर्स, इसकी वैल्यू होती है के इंटू एक्स, इसकी वैल्यू होती है के इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स, के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट जो कि क्वेश्चन में गिवन है, राइट। दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मुझे चाहिए एक्स, एक्स को कॉमन लूंगा, डिवाइड करूंगा और आंसर। सो ओके, सेकेंड आ रहा आंसर, चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ और आंसर हो, है ना, चेक करने में क्या जा रहा है। तो यहां से देखो, जब यहां से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो इस साइड ले आते हैं के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट। क्या मैं एक्स कॉमन ले सकता हूँ? यस। तो अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो दिस इज के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर राइट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर? सो एक्स इज एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? तो एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज ऑप्शन नंबर ए। ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि ए तो यही है ना। देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि एल नॉट एम ओमेगा स्क्वायर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, यस और नो? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यस ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। यस, ब्लैक साइड ने भी बता दिया। चलिए, व्हाट अबाउट दिस वन, इसका आंसर क्या होगा? ये भी आपकी जे 2020 के पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन, शिफ्ट वन की बात कर रहा हूँ। अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सारे क्वेश्चन 8 जैन के शिफ्ट वन का पेपर है, 8 जैन 2020 शिफ्ट वन। व्हाट अबाउट दिस वन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कम ऑन एवरीवन, आई वांट आंसर्स। सेकंड का फर्स्ट, अच्छा सेकंड का फर्स्ट बता रहे हो आंसर, लेट्स सी क्या आंसर होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेथड क्या होगा, रेस्ट इज कैलकुलेशन जो कि आपको करने हैं। गिवन ये है, थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर रेडियस डी एज शोन इन द फिगर। मतलब ये सबका रेडियस कितना है, आर की वैल्यू गिवन है डी, आर इज गिवन एज डी। द इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, मतलब इस सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू ऑल थ्री चार्जेस, कौन कौन से, +2Q -4Q एंड -2Q, इन तीनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसी की वैल्यू पूछी जा रही है। एक काम करते हैं, सबके डायरेक्शन लिख लेते हैं। जैसे मान लो इसको मैं 1 बोल दूं, इसको मैं 2 बोल दूं, इसको मैं 3 बोल दूं, ठीक है। तो 1 के लिए सिंस दिस पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा लाइक दिस, दिस इज लेट्स से E1 बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हेलो शिव, गुड इवनिंग। वैसे ही अगर मैं 2 की बात करूं, 2 तो 2 इज नेगेटिव चार्ज, इसकी टेंडेंसी होगी अट्रैक्ट करने की, तो जो E2 होगा वो इस डायरेक्शन में होगा E2, क्योंकि E2 नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। 3 की बात करूं, थर्ड चार्ज वो भी नेगेटिव है, मतलब जो E3 होगा वो भी होगा टुवर्ड्स थर्ड, मतलब ये हो जाएगा क्या, दिस इज E3। अब हम क्या करेंगे, E1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, E2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, E3 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। हमें चाहिए नेट अलोंग एक्स एक्सिस, तो वी हैव टू टेक द कॉम्पोनेंट ऑफ E2, वी हैव टू टेक द कॉम्पोनेंट ऑफ E2। मैं शो कर देता हूँ, हमें E2 का ये कॉम्पोनेंट लेना है, E3 का ये कॉम्पोनेंट लेना है, E1 का ये कॉम्पोनेंट लेना है, ये तीनों क्या होंगे, अलॉन्ग एक्स, वही आंसर हो जाएगा। मतलब जो आंसर आएगा वो आंसर हम क्या लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा ई नेट, जो होगा किसके अलॉन्ग, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा E2। E2 का ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 cos 30 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा E2 cos 30 प्लस प्लस, अच्छा E3 का कंपोनेंट कितना होगा, E3 cos 30, तो ये हो जाएगा E3 cos 30, तो यहाँ लिख दूंगा मैं प्लस E3 cos 30। एक और कौन बच गया, E1, तो E1 का भी तो कंपोनेंट लेंगे ना, ये भी तो हो जाएगा प्लस E1 cos 30। सो फाइनली दिस इज E1 cos 30। बस मतलब E1 plus E2 plus E3 multiplied by cos 30, तो E1 ऑप्टेन कर लेंगे। नाउ हैपन के आ रहे हैं बी आंसर, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स, लग रहा है इस बार आपका सही है फाइनली। तो व्हाट वी कैन से यहाँ पे अगर मैं कॉस 30 कॉमन ले लूँ ना, दिस इज E2 plus E3 plus E1 multiplied by cos 30, राइट। चलिए नाउ
अब आते हैं हम, अब आते हैं शिव इज ऑल्सो गेटिंग टू। अब इन तीनों के मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पुट करेंगे और आंसर। अब इसमें कुछ तो ऐसा तो है नहीं कि लाइक डिफिकल्ट हो। अब तो मैग्नीट्यूड हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। तो जब मैं ई वन की बात करूं, ई वन तो जाएगा के क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर। अच्छा, के क्यू वन कितना है, क्यू वन इज टू क्यू, है ना, टू क्यू अपॉन आर वन स्क्वायर। आर कितना गिवन है, तो डी, ये हो गया डी स्क्वायर, है ना। तो दिस इज टू के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। वैसे ही वी कैन ऑब्टेन ई टू, तो ई टू हो जाएगा, अब मैं सीधा लिख देता हूँ, के इंटू चार्ज कितना है, फोर क्यू अपॉन डी स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट एज फोर के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन ई वन कॉस 60 होगा ना, हेमंत ही सही, ई वन कॉस 60। नहीं, हेमंत आप समझे नहीं। ई वन जो है ना, मैं फिर से बता देता हूँ, सुनो, ये जो ई वन है ना, ये इसका कॉम्पोनेंट, ये 60, तो ये 60 होगा, है ना, ये 60 होगा। चलो मैं फिर से बता देता हूँ, अगर किसी को इवन में डाउट है ना, तो इवन में क्लियरिफाई कर देता हूँ। सिर्फ मैं इवन की बात कर रहा हूँ अभी, अभी मैं सिर्फ इवन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। सी हियर, ये था यहाँ पे, और ये चार्ज रखा हुआ था, ये चार्ज था यहाँ पे, दिस वॉज, है ना, लेट्स से क्यू वन, और ये एंगल की वैल्यू कितनी थी, ये एंगल था 60 डिग्री, है ना। तो होगा क्या, तो ये भी 60 हो जाएगा ना, ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, कौन सा एंगल सर, तो ये वाला एंगल मैं दिखा देता हूँ, दिस एंगल इज 30। तो आपकी मर्जी, अगर आप कॉस लेते हो, सॉरी 60 लेते हो, तो 60 के टर्म में कर लो, आप 30 को डोमिनेट कर रहे हो, तो इवन क्या हो जाएगा, इवन कॉस 30, और ये कितना हो जाएगा, इवन इवन साइन, तो हम सॉरी साइन नहीं, साइन 30। डन डन डन। चलिए, तो आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर। वापस इस वाले पे आ जाते हैं, ई टू की वैल्यू कितनी हो गई, के फोर के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। एंड फाइनली फाइनली द वैल्यू ऑफ ई थ्री जो होगी, ई थ्री हो जाएगी के टू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। दिस इज टू के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। अब इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर। इसमें आप कुछ है नहीं, है ना, आप बोलो तो मैं सॉल्व कर दूंगा, बट आई थिंक अब आप कर लेंगे। तीनों की वैल्यू पुट कर दो, तीनों एडिशन में देखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा ये, सो दिस कम्स आउट एज, ये कितना हो जाएगा, तो 2 6 + 2 कितना हो जाएगा, ये 8, 8 के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। और साथ में cos 30 कितना होता है, √3/2, ठीक है, ये तो हो जाएगा। तो यहां से देखो क्या हो गया, यहां से जो वैल्यू हो गई 2 से 4 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, सो अब ये कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये कितना हो जाएगा, 4 4 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटू कितना हो जाएगा, इंटू इंटू 4 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर इंटू √3। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, सो दिस कम्स आउट एज √3 क्यू, या क्यू √3 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग बी कैसे आंसर आ रहे थे, आप लोग आंसर चेंज कर रहे हो, पहले बी फिर आंसर सी, ऐसे कैसे, है ना। तो करेक्ट आंसर इज विच वन, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अगर एंगल कुछ और हो ना, अगर मान लो 60 की जगह पे 30 हो जाता, मान लिया यहाँ पे अगर एंगल 30 हो जाए, तो फिर आंसर कुछ और होगा, बट फॉर दिस गिवन डेटा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो ये बता दो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस नीट वालों के लिए महा इंपॉर्टेंट, और जेई वालों के लिए भी महा इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ग्राफ का दूसरे में कन्वर्जन, फटाफट से आंसर बताए, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन बताता है, सबसे पहले इसका आंसर कौन बताता है, मुझे आंसर चाहिए। अच्छा, सिली मिस्टेक हो गया था, अच्छा फटाफट जान से बता दो। चलिए, लेट्स सी क्या आंसर होना चाहिए, मैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर देता हूं। यू थिंक ए, ओके, हेमंत इज सेइंग ए। हेमंत सोचने से नहीं होगा ना, कॉन्फिडेंस के साथ, कि क्वेश्चन देखते ही आपको होना चाहिए सर इसका आंसर तो ए होगा, 100% श्योर, वो आपको आना चाहिए, आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस आए, उस लेवल की तैयारी आपको करनी है। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑलराइट, लेट्स सी फ्रॉम बेसिक। हम बिल्कुल बेसिक से सोचेंगे और आंसर ऑप्टेन करेंगे। वो क्या है बेसिक, बेसिक ये है कि सबसे पहले देखो कि किसके किसके बीच में ग्राफ गिवन है। तो ग्राफ गिवन है, ग्राफ इज गिवन बिटवीन वी एंड टी, ग्राफ इज गिवन बिटवीन वी एंड टी, है
ना, वी और टी के बीच में ग्राफ गिवन है, ऑलराइट। तो अच्छा, चूज द करेक्ट पीवी ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस फॉर वीटी ग्राफ, है ना। वीटी ग्राफ गिवन है, हमें पीटी ग्राफ चाहिए। वीटी ग्राफ गिवन है, हमें क्या चाहिए, पीटी ग्राफ चाहिए। अच्छा, अब क्या है ना, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो कैसे सोचेंगे। ये पीवी ग्राफ है ना, देखो पीवी ग्राफ, और गिवन क्या है, वीटी ग्राफ। तो क्या वी दोनों में कॉमन है? यस सर, दोनों में वी कॉमन है। तो बस हमारा काम हो गया। इसमें देखो वी कॉन्स्टेंट है ना, जेड से लेके वाई तक क्या वी कॉन्स्टेंट है? यस, जेड से लेके वाई तक क्या वी कॉन्स्टेंट है? तो जेड से लेके वाई तक वी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे वी चेंज हो रहा है। अच्छा, वाई से जेड तक, वापस से वाई से जेड तक पी कॉन्स्टेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। देखो वी तो चेंज हो रहा है ना, देखो वाई पे वी कुछ और है, जेड पे वी कुछ और है, तो ये भी नहीं हो सकता। सी पे आते हैं, सी पे क्या गिवन है, वाई से लेके जेड तक, देखो वाई से लेके जेड तक, वाई से लेके जेड तक ये वी कॉन्स्टेंट है, तो सी के चांसेस हैं, सी के चांसेस हैं। डी में आते हैं, डी में तो वाई से लेके जेड तक वी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, वाई से लेके जेड तक। अरे वी कहाँ कॉन्स्टेंट है, यहाँ कुछ और वी है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो डी भी नहीं हो सकता। मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही लग रहा है कि सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि ए बी और डी नहीं हो सकता। दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हमारा टारगेट सिर्फ आंसर ऑप्टेन करना नहीं है, ऑल्दो एग्जाम में आप टिक करके आगे निकल जाएंगे, बट यहाँ काम है कि सारे ऑप्शन को अच्छे से समझना, कि बाकी ऑप्शन अगर मान लो ये मैच हो जाता तो आगे कैसे चेक करेंगे। अब देखो आगे चेक करते हैं, अब आते हैं किस पे, एक्स जेड पे। अब आते हैं फॉर एक्स जेड, फॉर जेड एक्स, एक्चुअली जेड एक्स। अगर आप जेड एक्स को अच्छे से एनालाइज करो इस गिवन ग्राफ में, तो जेड से लेके एक्स तक में क्या कॉमन है, कमॉन, जेड से एक्स तक में क्या कॉमन है? यहाँ पे टी कॉन्स्टेंट है, यहाँ जितनी टी 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 सब में टी सेम है ना, ये टी जो वैल्यू होगी वही टी की वैल्यू, मतलब जेड से लेके एस तक टी कॉन्स्टेंट है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ क्या है, टी इज कॉन्स्टेंट। अच्छा, वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। चलिए तो अब क्या क्या कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे देखो इस वाले एक्सप्रेशन में एन तो कॉन्स्टेंट होता ही है, आर तो कॉन्स्टेंट होता ही, और टी भी कॉन्स्टेंट हो गया। कैन वी से दैट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जब हम PV ग्राफ बनाएंगे तो ZX के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आएगा। इसका मतलब अगर आप देखेंगे C को एक बार चेक कर लेते हैं सही है नहीं है, तो Z और X के लिए, Z और X के लिए देखो जो ग्राफ है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है, मतलब ये सही है, ये भी बैठ गया। लास्ट वो भी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन में चेक करने होते हैं। लास्ट क्या बचा, X और Y, XY बचा, XY। तो ये जो XY है ना, एक्स वाई है, इसमें क्या दिख रहा है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। सो कैन आई से दैट कि फॉर दिस स्ट्रेट लाइन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्या मैं बोल सकता हूं कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी? क्यों, देखो यहाँ पे ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसका क्या मतलब समझते हो, अगर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हुआ इसका मतलब ये है कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमें पता है ना। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि P भी कॉन्स्टेंट, N भी कॉन्स्टेंट, R भी कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स P इज कॉन्स्टेंट। यहाँ से हमें ये क्लू मिल गया कि P कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स एक्स वाई रीजन के लिए जो ग्राफ बनेगा उसमें P कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ये देखो एक्स वाई, तो ये देखो यहाँ पे P कॉन्स्टेंट है ना, किसी भी पॉइंट के लिए, सब के लिए P क्या है, कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स C इज द करेक्ट आंसर। मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन इसीलिए दिया क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम, ये तो खैर इजियर था, अगर हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या होता है कि दो ऑप्शन जो है उसके दो दो स्टेज तक मिक्स होते हैं, तीसरा सिर्फ तीसरे वाले से डिफरेंशिएट कर लोगे, मतलब जैसे यहाँ पे तो एक में ही आंसर आ गया ना, अदरवाइज दो दो ग्राफ बिल्कुल कॉमन होंगे, सिर्फ एक रीजन अलग होगा, तो उस केस में आपको तीनों ही चेक करने होते हैं। तो आई एम होपिंग कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, अब हम आगे चलते हैं, और कॉन्सेप्ट की क्रिस्टल क्लैरिटी जरूरी है, क्लैरिटी तो होती है वो तो सिर्फ सॉल्यूशन देख के भी हो जाती है ना, बट हमारा टारगेट है क्रिस्टल क्लैरिटी। राइट, वॉट अबाउट दिस वन, कम ऑन एवरी वन, आई वॉन्ट आंसर्स, इसका आंसर क्या होगा, पीवी का रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल ग्राफ इंपॉर्टेंट है। यस, अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो प्रैक्टिस तो करनी है आपको, सब कुछ प्रैक्टिस करनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, बट हाँ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो इसको बता, इसका आंसर बता दो क्या होगा इसका आंसर, ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द लेमिना शोन इन द गिवन फिगर। एक लेमिना है, इसका मतलब ये लेमिना जो है बेसिकली मैं बता दूं, ये है और ये है, मतलब एक तो ये रीजन है और दूसरा रीजन कौन सा है, इसका रीजन, दूसरा रीजन ये है, ठीक
ठीक है। और ये क्या है, कैविटी, मतलब ये हॉलो है, यहां कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड होता है, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो। कैसे, मैं आपको मेथड बता देता हूं। एक मेथड ये कहता है कि आप पूरे का सेंटर ऑफ मास निकाल लो, है ना, पूरे का सेंटर ऑफ मास निकाल लो। उस सेंटर ऑफ मास में से इस जो हमने मास रिड्यूस किया है, जो कैविटी वाला पोर्शन है, उसका सेंटर ऑफ मास माइनस कर दो तो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। हाँ, फिजिक्स का, ओके, तो वो तो है ही फिजिक्स में। पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये कहता है कि इस लेमिना को एक ये लेमिना मान लो, एक ये लेमिना मान लो, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास, दोनों लिख लो, कंबाइन करके आंसर लिख लो। मतलब दोनों ही तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे मेथड का आपको हिंट दे दूंगा, फॉर्मूला लिख दूंगा, बाकी आप उसको सॉल्व कर लेना, सो दैट कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो क्या आंसर आया फटाफट मुझे बता दो। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको दो अलग अलग लेमिना मानू, दो अलग अलग लेमिना मानू, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये है लेमिना नंबर वन, यस और नो? ये लेमिना नंबर वन, और इसका सेंटर ऑफ मास तो यही होगा, यही होगा। और जो दूसरा वाला लेमिना है, जो दूसरा वाला लेमिना है, ये वाला, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास बता देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना रहे। दूसरे का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं होगा, है ना। और क्योंकि आइडेंटिकल है, कभी भी सिमेट्रिकल बॉडी होती है, सिमेट्रिकल बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसके सेंटर पे। तो ये जो सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ये होगा कितना? टोटल है देखो, ये है टू, इसकी हाइट कितनी है? टू। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? वन। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये है वन, ये है वन, तो ये कितना हो जाएगा? वन बाय टू। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास हो गया, उसके जो कोऑर्डिनेट हो गए, वो हो गया एक्स में वन बाय टू और वाई में वन। एम आई क्लियर टू एवरी वन? ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? तो टोटल है टू, देखो टोटल कितना है, ये टोटल है टू, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? वन, है ना, कॉमा वाई। तो ये लेंथ चाहिए हमें, ये लेंथ कितनी होगी? ये टोटल टू है ना, और ये कितनी है? ये है हमारा, दिस इज वन, ये कितना हो जाएगा? वन बाय टू, वन बाय टू। तो टू प्लस वन बाय टू कितना हो जाएगा? टू प्लस वन बाय टू, दिस कम्स आउट एज फाइव बाय टू, है ना। तो दिस कम्स आउट एज फाइव बाय टू। क्या समझ में आ गया? नहीं समझा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, डोंट वरी, मैं रिपीट करता हूँ, डोंट वरी, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ मैं, सुनो। ये कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक लेमिना है लाइक दिस, मैं फिर से बना देता हूँ। एक लेमिना ये है, ठीक है, सिर्फ इसी को याद करो अभी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो सिंस दिस इज सिमेट्रिकल बॉडी, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, क्या उसके सेंटर पे होगा? यही तो होगा ना। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा? तो हमें एक्स में इतना जाना होगा और वाई में हमें इतना चलना होगा, तभी तो उसके सेंटर ऑफ मास पे हम पहुंच पाएंगे। टोटल जो लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है वन, है ना, वन कॉमा जीरो, मतलब ये टोटल लेंथ है वन। तो ये कितना हो जाएगा? वन बाय टू। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? वन बाय टू। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट, तो ये जो टोटल है, ये जो टोटल है वो है टू, इसका हाफ कितना होगा? हाफ हो जाएगा वन, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? वन। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए वन बाय टू कॉमा वन, राइट। तो ये हो जाएगा वन बाय टू कॉमा वन। वैसे ही ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस था हमारा, है ना, और ये वाई एक्सिस है। मुझे इस, ये जो रीजन है, कौन सा रीजन? तो ये जो लेमिना है, ये लेमिना, इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो इसका सेंटर ऑफ मास के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, यस और नो? यस। इसका मतलब ये हुआ, इसके जब सेंटर मास यहाँ कहीं होगा, यहाँ मुझे पहुंचना है, तो एक्स में कितना चलना होगा? एक्स में तो मुझे यही जाना होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, और वाई में मुझे इतना चलना होगा इसके लिए पहुंचने के लिए। मतलब एक्स में कितना चलना होगा? वन, और वाई में कितना चलना होगा? तो टू प्लस वन बाय टू कितना हो जाएगा? फाइव बाय टू। ये हो गया फाइव बाय टू। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में कि मैंने क्या किया इस वाले पोर्शन में। यहां पहुंचने के लिए एक्स में कितना चलना होगा? वन, और वाई में यहां से यहां जाना होगा, यहां से लेके यहां तक कितना है? टू, और ये कितना है? वन बाय टू, सो फाइव बाय टू। डन। हाँ, चलो, तो ये समझ में आ गया। अब हम क्या एक काम करते हैं, लिख लेते हैं वैल्यूज, क्या लिख लेते हैं? तो मैंने आपको बताया था ना, 90% क्वेश्चन जेई मेंस के नीट वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, 90%, जो 10% है उसको आप स्किप कर सकते हो। मान लो इसको मैं मान लेता हूँ कि एक्स वन कॉमा वाई वन, है ना, और इसको मैं मान लेता हूँ एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है। तो एक्स वन क्या हो गया, एक्स वन कॉमा वाई वन क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू वन बाय टू कॉमा वन, है ना।
और एक्स टू कॉमा वाई टू क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू 1, 5/2, बस हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1 + m2x2 अपॉन m1 + m2, राइट। अब अच्छा ये 10% वाला लग रहा है, अच्छा तो अब ये क्वेश्चन आता है, सुनो, अब ये आता है कि m1 m2 क्या होगा, बताओ m1 m2 क्या होगा। तो आप क्या करिए, आप एरिया देखो इसका, इसको अगर मैं a1 बोलूं, a1 a1 कितना है, a1 तो a1 हो जाएगा 1 × 2, ये तो 2 हो गया ना, है ना, 2 हो गया। अगर मैं इसको a2 मान लूं, a2 कितना है, a2 कितना है, a2 तो ये देखो a2 जो है वो हो जाएगा, ये कितना है लेंथ, दिस इज 2 और ये 1। ओहो एरिया भी सेम है, देखो कैसे लिखा मैंने, बहुत सिंपल है। ये कितना है टोटल, टोटल 2 है और ये 1 है, तो 2 × 1 = 2, तो एरिया दोनों का सेम है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास भी सेम होगा। मतलब इसका जितना मास उतना ही इतना इसका मास, मतलब m1 = m2 = m मान लिया। इसका मतलब ये है, व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट m1 = m2 = m, ये हम मान रहे हैं, ठीक है, मान लिया m है। देखो अब लिख लेंगे वैल्यूज, तो x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू m1 कितना है m, x1 कितना है 1/2, है ना 1/2, प्लस m2 कितना है, तो m2 तो m है, इंटू x2 = 1/m + m, है ना m + m। अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना, ये हो गया m/2 + m/2m, तो टेकिंग एलसीएम 2, तो m + 2m/2m, ये कितना हो गया 3m/4m, mm कैंसिल आउट, दिस कम्स आउट एज 3/4। क्या 3/4 कहीं दिख रहा है क्या, कहीं 3/4 देखो कहीं दिख रहा है क्या, तो 3/4 का मतलब क्या होता है 0. है ना 75। तो ए और बी में से कुछ होगा, सी और डी तो नहीं हो सकता, यही कहानी आपको वाई सेंटर ऑफ मास के लिए लिखनी है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फटाफट सॉल्व करके मुझे बता दो फाइनल आंसर, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ, फटाफट मुझे बता दो आंसर क्या होगा। तो वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू होगा m1y1 + m2y2 / m1 + m2, ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है, m1 कितना है m, y1 कितना गिवन है तो 1, है ना, प्लस m2 कितना है तो m × y2 कितना गिवन है 5/2, सो × 5/2 / m + m / m, ये कितना हो गया, दिस इज m प्लस कितना हो गया 5m/2 / 2m, गेटिंग दिस, सो दिस कम्स आउट एज 2 7m/2 × 2m, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, दिस इज 7/4, दिस कम्स आउट एज 7/4, ये कितना हो गया 1.1 कितना हो गया 3/7, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मुझे बता दो 1% भी कहीं किसी को डाउट है क्या, या क्रिस्टल क्लियर है कॉन्सेप्ट की, क्या कॉन्सेप्ट की क्रिस्टल क्लैरिटी है सबको, यस नो, क्योंकि हमें क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए। चलो तो अगर क्रिस्टल क्लैरिटी है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कम ऑन। ओके, ये नीट वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जेई वालों के लिए भी, क्योंकि यही इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल कल वाले अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, वहां मैंने 2018 के पेपर में इस पे इसी कॉन्सेप्ट पे कराया था। अब एक वो देखो आपकी नीट में 2018 में इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ था और जेई में 2020 में आया, तो वहां क्या आया था वहां मैं बता दूंगा मैं। ओके तो नाउ नाउ आते हैं इस वाले पे, सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि वेन एवर वी टॉक अबाउट रिलैक्सेशन टाइम, तो इसका जो फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√t, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जो नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, जो नीट में क्वेश्चन आया हुआ था वो इस पे आया हुआ था कि रिलैक्सेशन टाइम जो था वो था v/√t होता है, v इज वॉल्यूम, t इज टेम्परेचर, ठीक है, ये होता है रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला। तो वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ था इस फॉर्मूले पे ही, यहाँ ग्राफ के टर्म में, वहां न्यूमेरिकल था यहाँ पे ग्राफ के टर्म में, तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। हाउ टू, अब तो ग्राफ है ना, अगर मैं बोलूँ कि इफ वी आर रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा टॉ इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट
इंटू वन बाय रूट टी। अगर मैं वन बाय रूट टी को क्या मान लू, एक्स, अगर मैं इसको एक्स मान लू, इसको मैं क्या मान लू वाई, तो कैन आई से दैट वाई इज इक्वल टू, और इसके को अगर मैं एक नाम दे दूं कॉन्स्टेंट एम, तो एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है ना वन बाय रूट एक्स, यही तो क्या है हमारा एक्स, और यही क्या है हमारा वाई, तो वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कौन सा हो जाएगा? कम ऑन एवरीवन, ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, ए इज द करेक्ट आंसर। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, डन डन डन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर बता दो, ठीक है, वेरी वेरी इजी। चलो इसका आंसर बता दो तो समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। इफ टू कैपेसिटर्स सी वन एंड सी टू आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रोफेरड। इफ बोथ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस अ 1 वोल्ट बैटरी, देन एनर्जी स्टोर्ड इन सी टू इज 4 टाइम दैट इन सी वन। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज इज, वॉट विल द आंसर? कम ऑन एवरीवन, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? लेट्स कम टू द पार्ट, सॉल्यूशन पार्ट। इफ टू कैपेसिटर्स सी वन एंड सी टू आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रोफेरड। इफ बोथ ऑफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस 1 वोल्ट बैटरी, देन एनर्जी स्टोर्ड इन सी टू इज 4 टाइम्स दैट ऑफ सी वन। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब क्वेश्चन के तीन चार पार्ट है ना, क्वेश्चन के तीन चार पार्ट हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन बाय वन। इन फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है कि हमने क्या किया, सी वन एंड सी टू को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? सी वन प्लस सी टू, ये क्या होता है? सी इक्विवेलेंट। तो पैरेलल में फॉर्मूला होता है सी वन प्लस सी टू, सी इक्विवेलेंट का, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 10, है ना, दिस इज 10। लेट्स टेक दिस इज इक्वेशन नंबर वन, पहला इक्वेशन मिल गया। सेकेंड इक्वेशन, इफ बोथ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस अ 1 वोल्ट बैटरी, मतलब ये हुआ कि एक कैपेसिटर था सी वन, एक और कैपेसिटर था, ये कितना था? सी टू, और इसको हमने किसके क्रॉस कनेक्ट कर दिया? इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक 1 वोल्ट की बैटरी के क्रॉस, 1 वोल्ट, ठीक है। देन एनर्जी स्टोर्ड इन सी टू इज 4 टाइम्स, मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड होगी यू किसमें, किसमें, सी टू में, वो है 4 टाइम्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन सी वन। ये कब है? जब हमने इसको इस फैशन में कनेक्ट कर दिया, राइट। वॉट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी? कम ऑन, वट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी? तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां लिखूंगा मैं हाफ सी टू, है ना, वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू हाफ सी वन इंटू वी वन स्क्वायर। यस और नो? अच्छी बात यह है कि बोथ कैपेसिटर्स आर इन पैरल, और अगर पैरल में हो तो वी दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब जो वी टू होगा वही वी वन होगा, और दोनों कितना है? 1 वोल्ट। तो हाफ, अच्छा हाफ ऑफ तो कैंसिल आउट, हाफ की कहानी खत्म हो गई, ये कहानी खत्म हो गई। सी टू कितना है? सी टू, सी टू नहीं पता, तो सी टू इंटू वी टू कितना है? तो 1 वोल्ट, क्योंकि वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू सी वन इंटू वी वन कितना है? 1 वोल्ट, तो 1 का स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल के आ गया? यहां से निकल के आ गया, देखो सी टू इज इक्वल टू 4 सी वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब इक्वेशन वन गिवन है, इक्वेशन टू भी आ गया, क्या इन दोनों को सॉल्व करके हम सी वन सी टू नहीं निकाल सकते? बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, वी नो सी टू, तो फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या था? सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू 10, सी टू वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस इज 4 सी वन इज इक्वल टू 10, ये कितना हो गया? 5 सी वन, 5 ही तो 5 सी वन इज इक्वल टू 10, तो सी वन की वैल्यू कितनी हो गई? 2, सी वन कितना हो गया? 2, डन। अब अच्छा आंसर आ रहा है 1, देख लेते हैं, है ना। अब क्या हुआ, सी वन टू हो गया फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? 2 से। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 सी टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू सी वन, है ना, 4 इंटू सी वन, तो 4 इंटू 2 ये कितना हो गया? दिस कम्स आउट एज 8 माइक्रोफेराड। तो हमारे पास सी वन सी टू की वैल्यू आ गई कितनी? सी वन आ गया 2, है ना, 2 माइक्रोफेराड, एंड सी टू कितना आ गया? दिस इज 8 माइक्रोफेराड।
क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ना, क्या पूछा जा रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब दोनों सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दिस इज सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, इसका मतलब ये हुआ 2 into 2 upon 2, sorry 2 into 8 हो जाएगा ना, 8 है दूसरा, 2 plus 8 है ना, कितना हो जाएगा ये 16 upon 10, सो दिस कम्स आउट एज 1.6 माइक्रो फैराड, करेक्ट आंसर इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर। ये माइक्रो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो माइक्रो लिखेंगे ना, ऊपर 2 माइक्रो नीचे सिंगल माइक्रो, तो एक माइक्रो कट जाएगा, एक ही माइक्रो बचेगा, सो 1.6 इज द करेक्ट आंसर। इफ हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। अरे शिल्पा जेई में बहुत, जेई मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में तो इजी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में तो इजी क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में आते हैं टफ, मेंस में तो इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसका आंसर बता दो अब, ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। हाँ एक ही फर्स्ट ही आंसर, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं, इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है, कम ऑन क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, कम ऑन एवरीवन। गिवन ये है, चलिए मैं आप लोगों की हेल्प कर देता हूं, गिवन क्या क्या है, गिवन है अ रॉड ऑफ मास 4 m एंड लेंथ l इज हिंज्ड एट इट्स मिड पॉइंट, मतलब एक रॉड है, मैं ऊपर डायग्राम बना देता हूं, हमारे पास सिचुएशन क्या है, देखो एक रॉड है, ये रहा रॉड जो कि हिंज्ड है कहाँ पे, इसके मिड पॉइंट पे, टोटल कितनी लेंथ है l है, टोटल लेंथ कितनी है l है, और मास कितना गिवन है 4 m, 4 m इज मास, ओके। अ बॉल ऑफ मास m इज मूविंग इन द प्लेन ऑफ द रॉड, एक बॉल मूव हो रही है विथ स्पीड v, इट स्ट्राइक्स द एंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब जो बॉल था ना, जो बॉल था वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे, मतलब ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, एंड स्टिक टू इट, एंड स्टिक टू इट, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज। अच्छा देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन के दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं मैं आपको बता दूं, कि अगर मान लीजिए एक रॉड है, देखो ये नीट वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जेई के तो है ही दोनों के लिए, इसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं और ये क्वेश्चन कैसे अलग है। जनरली जो हम क्लास में, जो मैंने आपको क्लास में कराया था, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे कि एक बॉल आ रही है ना, ये इनका कॉलिजन हो रहा है, तो कॉलिजन के बाद आपको ये बताना है कि आफ्टर कॉलिजन है ना, इस रॉड की क्या वेलोसिटी होगी, तो ये घूम जाएगा, ये घूमना स्टार्ट करेगा, तो जब ये घूमना स्टार्ट करेगा कुछ तो ओमेगा होगा ना, कुछ तो ओमेगा होगा राइट, तो वही आपसे ओमेगा पूछा जा रहा है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि जो रॉड है, रॉड तो अपनी जगह पे ही है, बट जो बॉल है वो परपेंडिकुलर नहीं आके कुछ एंगल बना रहा है, ये बॉल कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ एंगल दे रखा है 45, तो कोई इशू नहीं है, इस बॉल की वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट हम ले सकते हैं ना, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल, मतलब इस की वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट ले लेंगे, ये हो जाएगा वी साइन 45 और ये हो जाएगा वी कॉस 45, मतलब जो काम यहाँ पे v का था, समझो जो काम यहाँ पे v का था वो यहाँ पे किसका काम हो जाएगा, v साइन 45, बस इतनी सी कहानी है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। वंस अगेन ये जो v था पहले केस में, ये v समझ में आ रहा है कि आफ्टर कॉलिजन ओमेगा ऑप्टेन करेंगे, कैसे करेंगे मैं बताऊंगा अभी, अगर कोई एंगल से आ रहा हो बॉल तो हम इसके कॉम्पोनेंट लेंगे, दो कॉम्पोनेंट, तो ये जो है ना कॉम्पोनेंट यही हमारे काम का है, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि तो पैरेलल कॉम्पोनेंट है, कॉलिजन में इसका कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ इसका रोल होगा कॉलिजन में वी साइन 45 का, डन, इंड पे हिंज होता है, नहीं, क्वेश्चन में गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है हिंज्ड एट इट्स मिड पॉइंट, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो मिड पॉइंट पे हिंज्ड है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कहीं भी हो सकता है, क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाने के लिए बोला जा सकता है कि एल बाय फोर लेंथ पे हिंज्ड है, तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा है ना, बट क्वेश्चन किया जा सकता है सॉल्व, इट्स ऑल अबाउट कि डिफिकल्टी लेवल कितनी बनानी है क्वेश्चन की। तो यहाँ पे मुझे बताओ ये 45 इंपॉर्टेंट है या कॉम्पोनेंट इसका इंपॉर्टेंट है, तो इसका कॉम्पोनेंट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, इसके दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा अगर मान लो ये वी है तो वी साइन 45 एंड दिस इज वी कॉस 45, तो अल्टीमेटली देखो डायग्राम क्या बना, डायग्राम ऐसा कुछ बना, मैं यहाँ बना देता हूँ डायग्राम, बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन की बात हो रही है, ठीक है, ये रहा हिंज पॉइंट, दिस इज हिंज पॉइंट, और जो बॉल है वो कुछ ऐसे आ रहा है बॉल लाइक दिस, कितनी वेलोसिटी से, तो दिस इज वी बाय रूट टू, दिस इज वी बाय रूट टू, वी बाय रूट टू क्यों लिखा, क्योंकि वी को साइन 45 कितना होता है, ये कितना होता है, दिस इज वी बाय रूट टू, वी बाय रूट टू आ रहा है, ठीक है। आफ्टर कॉलिजन क्या होगा,
तो आफ्टर कॉलिजन जब हम बात करेंगे, आफ्टर कॉलिजन तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये स्टिक हो जा रहा है ना, स्टिक हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रॉड है, ये हिंज पॉइंट है, और जो बॉल था वो इसके साथ स्टिक हो गया, मतलब यहां रुक गया। तो क्या अब ये दोनों एक साथ नहीं घूमना स्टार्ट करेंगे? हाँ, मतलब दोनों ही अब घूमना स्टार्ट कर देंगे एक साथ। मान लिया कि जो घूम रहा है कितने से? ओमेगा से। तो मुझे बताओ यहां पे क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं? अब समझो, थ्री आ रहा है, ठीक है ठीक है हेमंत, उस वाले पे आएंगे पहले, इसको तो सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें, फिर L/4 पे भी आ जाएंगे। यहां पे मुझे बताओ कि क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं? तो आंसर इज नो, वी कैन नॉट कंजर्व लीनियर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड है। अगर ये फ्री होता ना, मतलब एक रखा हुआ रॉड है, एक बॉल आ रहा है और कॉलिजन हो रहा है, तो डेफिनेटली वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम। बट जब भी हिंज्ड हो ना, तो अब यहाँ पे हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते। बट इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा? तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा? जीरो। और अगर टॉर्क जीरो है तो वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। तो नाउ वी आर गोइंग टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? लेट्स राइट इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो मैं यहां लिख देता हूँ एंगुलर मोमेंटम। ओके ओके, मैं बड़ा लिख देता हूँ, स्पेस कम था इसलिए मैंने, ठीक है, मैं समझ गया आपकी भावनाओं को। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो किसके लिए होगा? तो मास गिवन है क्या? हाँ, मास गिवन है। इसका मास है 4m, इसका मास है m। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस, तो एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी एम वी इंटू आर। ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है कितनी? L/2। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो एम वी बाय रूट टू इंटू L/2। क्या ये सबके समझ में आया? ठीक है, अब क्या हुआ? इज इक्वल टू इनिशियल तो बस यही था ना, क्योंकि रॉड तो रेस्ट में था। फाइनल क्या हुआ? फाइनल ये हुआ कि दोनों ही साथ साथ घूम रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा? I इंटू ओमेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबके? कैसे हुआ एंगुलर मोमेंटम? तो सिंस द होल सिस्टम इज रोटेटिंग, तो एंगुलर मोमेंटम का दो ही फॉर्मूला होता है, एक होता है एम वी आर, एक होता है आई इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे रोटेट हो रहा है तो आई ओमेगा लिख लिया, यहाँ पे वेलोसिटी है तो एम वी, और ये परपेंड, ये जो वेलोसिटी की देखो लाइन ऑफ एक्शन है, ये वेलोसिटी है ना, यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी? L/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एम वी बाई रूट टू L/2, और ये कितना हो गया? आई इंटू ओमेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। इतना ही है इसमें, देख लेते हैं वो भी। तो यहां से मुझे बता दो कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाएगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ML² / 12। अगर एक रॉड है ना, ये आपको पता होगा सबको कि एक रॉड है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये होता है ML² / 12। और अगर यहाँ पे है ना, अगर ये यहाँ की जगह पे साइड में हो जाए, मान लो ये एल है, ये कितना हो जाता है? ML² / 3, है ना। वैसे ही अगर थर्ड हो ना, जैसे आपने पूछा था L/4 पे क्या हो, तो L/4 पे अगर कहीं हो तो वापस इसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑप्टेन करेंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये अलग चेंज हो जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है। अरे हाँ हेमंत, बस इस वाले के लिए, क्योंकि इसमें स्पेस कम है, नेक्स्ट टाइम से मैं कर दूंगा, है ना, लार्ज कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा यहाँ पे? तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल टू ML² / 12। एम कितना है? 4m। तो 4m, 4m इंटू L² / 12। क्या मेरी बात सबके समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 4 से 3 टाइम्स, सो दिस इज ML² / 3, दिस इज ML² / 3। एवरी वन, आर यू गाइज गेटिंग दिस ML² / 3? चलिए ठीक है। अब क्या यही नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? नहीं, ये तो सिर्फ रॉड का है, ये तो सिर्फ रॉड का है। एक बॉल जो है वो भी तो स्टिक हो गया यहाँ पे, ये बॉल भी तो स्टिक हो गया, तो इस बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ये सेंटर से ये डिस्टेंस है, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मैं बता देता हूँ, इसको मैं आई डैश कर देता हूँ क्योंकि एक पार्ट है उसका। मैं लिख देता हूँ MV(L/2√2) इज इक्वल टू, आई कितना होगा? तो सिर्फ रॉड की अगर बात करें तो वो हो गया ML² / 3, पर ध्यान रहे ML² / 3 नहीं, कहाँ से आया? वो यहाँ से आया है ना, प्लस एक जो छोटा बॉल था वो कितने डिस्टेंस पे स्टिक हो गया? तो L/2 डिस्टेंस पे। तो ML² / 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू ओमेगा। बस इतनी सी कहानी है, इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? आप चाहो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, रुको मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा
एम वी एल अपॉन 2√2। मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, रुको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। एम वी एल अपॉन 2√2। आप तो सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग। इज इक्वल टू क्या है, एम एल स्क्वायर बाय थ्री है ना, एंड देन प्लस एम एल स्क्वायर बाय फोर, इंटू ओमेगा। कमान अब क्या आंसर आ रहा है इसका बता दो मुझे फटाफट से, क्या आंसर आ रहा है फटाफट मुझे बता दो। तो इन दिस सिचुएशन, यहां से देखो ये आ जाएगा एम वी एल बाय 2√2। एलसीएम ले सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे ना। चलो ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 12 हो जाएगा, 4 ml² + 3 ml² इंटू ओमेगा। सॉल्व कर लेना है ना। चलो एक स्टेप और कर ही देता हूँ मैं। एम वी एल बाय 2√2 इज इक्वल टू 7 ml² / 12 इंटू ओमेगा। तो क्या यहाँ से ओमेगा वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये था कि हाउ टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड आई एम होपिंग कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की क्रिस्टल क्लैरिटी है सबको, यस और नो। चलो इसकी क्रिस्टल क्लैरिटी आ चुकी है, आगे चले, अब आगे चले। चलो 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 अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा देखते सबसे पहले, इसका आंसर कौन बताए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी तो पहले वाला भी था, इसका बता दो आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, फटाफट से मुझे आंसर बता दो। हाँ जी नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। क्या होगा इसका आंसर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं देखो हेल्प करता हूँ आपकी समझने में। सुनो क्या है, गिवन ये है, टू फोटोन्स ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन टू मेटल्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। मतलब दो अलग अलग मेटल्स हैं हमारे पास, ये रहा मेटल वन, ये रहा मेटल टू। एक पे जो एनर्जी आ रही है वो है कितनी, ये ए है और ये बी है। ए पे कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बी पे कितना है, बी पे है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर एन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज टी ए और ए एंड टी बी। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी निकल रही है तो ये कितना हो जाएगा, ये गिवन है, दिस इज के काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है ना, और ये कितना गिवन है टी ए। और यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, वो कितने गिवन है टी बी। ये तो मैं जस्ट डायग्राम बना रहा हूँ, ये जस्ट मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ कि क्या गिवन है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि द रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए एंड बी। अच्छा ये भी गिवन है, तो वर्क फंक्शन कितना है दोनों का, फाई पूछा जा रहा है कि फाई ए, अच्छा ये फाई ए हो जाएगा, ये फाई बी है, तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ फाई बी कितना होगा, ये कहानी गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, मुझे बताइए कि वेवलेंथ वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है। तो वेवलेंथ किसका, डी ब्रॉय इक्वेशन को याद करिए, डी ब्रॉय इक्वेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या होता है, मोमेंटम, और हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है ये क्या होती है, ये होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी इज वॉट, लीनियर मोमेंटम। तो क्या यहाँ से हम पी की वैल्यू ऑप्टेन नहीं कर सकते, तो पी स्क्वायर हो जाएगा 2m इंटू के। वॉट इज के हेयर, के इज काइनेटिक एनर्जी और m क्या है मास है ना, तो पी कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m के। पी कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 2m के, तो यहां से जो वैल्यू हो जाएगी दिस इज एच अपॉन अंडर रूट 2m के। डन डन डन, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। चलो लैम्डा आ गया, अब यहां से मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर एच सेम हो, मास सेम हो, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√k, बोल सकते हैं ना, यस, अगर मास कॉन्स्टेंट हो। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इस वाले क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है ना, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है और साथ में उसका वेवलेंथ भी गिवन है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वी नो दैट कि लैम्डा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का रूट कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। तो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा वन बाय लैम्डा टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के टू बाय के वन।
क्या ये समझ में आया सबके? ठीक है, वेरी गुड। के टू कितना है? तो जो के टू है अभी लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे ए बी के टर्म में बात हो रही है, तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी, मतलब ए बी के टर्म में लिख देते हैं ना। अच्छा, क्योंकि ए बी के टर्म में गिवन है, तो इसे बेटर टू राइट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बी अपॉन के ए, राइट। अच्छा, वॉट इज द वैल्यू ऑफ के बी है? तो जो के बी है ना, देखो के बी कितना है, तो ये के बी है टी ए माइनस 1.5, तो ये कितना है टी ए माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, अपॉन के ए कितना है, तो के ए गिवन है के ए टी ए, बस ये सिर्फ टी ए है, तो मतलब ये कितना हो गया टी ए। अच्छा, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी कितना गिवन है? गिवन ये है क्वेश्चन में कि लैम्डा बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा ए, ये एक्चुअली लैम्डा ए है ना, 2 लैम्डा ए क्वेश्चन में, ये 2 लैम्डा ए है, तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी कितना हो जाएगा, दिस कम्स आउट एज 1/2 है ना, ये कितना हो जाएगा 1/2, क्लियर है 1/2, तो ये कितना हो गया 1/2। क्या इसको सॉल्व करके टी ए नहीं निकाल सकते? कम ऑन, क्या इसको सॉल्व करके टी ए निकाल सकते हैं ना, कर दो आप सॉल्व कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 इज इक्वल टू टी ए माइनस 1.5 अपॉन टी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा टी ए इज इक्वल टू 4 टी ए माइनस 6, तो कितना हो जाएगा इधर से 3 टी ए इज इक्वल टू 6, टी ए कितना हो गया, टी ए इज इक्वल टू 2, ये कितना हो गया 2। अच्छा, ये 2 किस में होगा, इसकी यूनिट क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि टी ए है क्या, टी ए है काइनेटिक एनर्जी, यही तो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना। चलो, हमें टी ए मिल गया। अच्छा, अगर टी ए मिल गया तो क्या हम टी बी ऑप्टेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन है कि जो टी बी है वो क्या गिवन है, वो गिवन है टी ए माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना गिवन है टी ए, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है टी ए माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दिस कम्स आउट एज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड वॉट इज टी बी हेयर? टी बी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी पार्टिकल, मतलब बी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो बी मेटल से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए, बी वाले मेटल के लिए, बी वाले मेटल के लिए, बस हो गया। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है किसका, आइंस्टीन इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या होता है वो होता है एनर्जी इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, राइट। ई कितना गिवन है सेकेंड वाले के लिए, तो सेकेंड वाले के लिए गिवन है 4.5, तो 4.5 पाई हमें चाहिए, प्लस सेकेंड वाले के लिए काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी हम ऑब्टेन कर चुके हैं, कितना है वो है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दिस कम्स आउट एज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई इज वॉट, वर्क फंक्शन, तो 4.5 माइनस 0.5, सो दिस कम्स आउट एज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द फाइनल आंसर, डन डन डन। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी इज द करेक्ट वन। क्या इसकी क्लैरिटी आ गई सबको? कम ऑन, यस और नो, डन। चलो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है पोटेंशियोमीटर से, फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दो, और कुछ डाउट हो ना लिख दीजिए, मैं बता दूंगा, डेफिनेटली बता दूंगा मैं, इसका आंसर क्या होगा, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो, कम ऑन, क्या होगा इसका आंसर, क्लियर। एक पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ गिवन है, ट्राई करिए एक बार, क्या होगा आंसर। गुड आफ्टरनून अहमद, लेट्स सी हियर, गिवन ये है कि देयर इज अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ, कितनी गिवन है 1200 सेंटीमीटर, ओके, एंड 60 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन इट, करंट की वैल्यू गिवन है, लेंथ भी गिवन है, ओके, इन इट अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम इज बैलेंस्ड ऑन इट्स पोटेंशियोमीटर वायर विथ अ बैलेंसिंग लेंथ, कितना गिवन है 1000 सेंटीमीटर, बैलेंसिंग लेंथ गिवन है 1000 सेंटीमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर कितना होगा? तो बहुत सिंपल है, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आते हैं सॉल्यूशन पे। तो पोटेंशियोमीटर का नाम सबने सुन रखा होगा, पोटेंशियोमीटर, राइट। तो मैं पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाता हूँ और पूरी चीज को एक क्रिस्टल क्लैरिटी से बताता हूँ कि पूछा क्या जा रहा है। अगर मैं एक पोटेंशियोमीटर बनाऊ लाइक दिस, अगर ये पोटेंशियोमीटर वायर है, अगर ये पोटेंशियोमीटर वायर है,
यस शिल्पा, स्पेशल क्लास भी होती है, यू कैन फाइंड माय प्रोफाइल बाय यूजिंग दिस सुप्रीट 10 कोड। ठीक है, लर्निंग ऐप पे जाओ, फ्री लाइव क्लासेस में जाओ, सर्च करो सुप्रीट 10, यू विल फाइंड माय प्रोफाइल। ओके, देयर इज अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ कितनी है, 1200 सेंटीमीटर। तो ये है 1200 सेंटीमीटर ना, 1200 सेंटीमीटर ये लेंथ गिवन है, और जो करंट है वो कितनी गिवन है, दिस इज 60 मिली एम्पियर जो इससे फ्लो हो रही है। ओके, अब बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड, मतलब यहाँ से एक बैटरी कनेक्टेड है, ये रही बैटरी, एक रजिस्टर है ना, एक गैल्वेनोमीटर, और यहाँ कहीं ऐसे कनेक्ट हो रहा होगा। ओके, ये कितना गिवन है, ये गिवन है 5 वोल्ट, और ये कितना गिवन है 20 ओम। ये कहानी है पोटेंशियोमीटर की, और ऊपर कोई सप्लाई वोल्टेज होगा, रहा होगा है ना, एक रजिस्टर ऐसा कुछ रहा होगा, ये कहानी गिवन है। पूछा ये जा रहा है, अच्छा बैलेंसिंग कहाँ, देखो बैलेंसिंग कहाँ हो रहा है, तो जो बैलेंसिंग हो रहा है कितने लेंथ पे, तो 1000 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है। मतलब ये जो लेंथ है, ऐसे डायग्राम देख के लग नहीं रहा है कि टोटल है 1200 और ये 1000, बट मान लो कि 1000 है ना, 1000 सेंटीमीटर है मान लिया, ठीक है, और टोटल कितना है 1200 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए, अब पोटेंशियोमीटर की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। वो होता है कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसके क्या मायने हैं, इसके मायने ये हैं कि इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होगी, जीरो, और अगर इससे करंट जीरो हो रही है, मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जीरो, क्योंकि वी होता है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई जीरो, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो, मतलब 5 वोल्ट जो है वो डायरेक्टली इस रजिस्टर इस लेंथ के अक्रॉस कनेक्टेड है, दिस 5 वोल्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस दिस लेंथ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 1000 सेंटीमीटर वायर इज 5 वोल्ट, बोल सकते हैं। मतलब समझने के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो लेंथ है ना, कितनी लेंथ है 1000 सेंटीमीटर, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया 5 वोल्ट, होना ही है 5 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया। अच्छा वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू होता है आई इंटू आर, है ना, वी इक्वल टू होता है आई इंटू आर, इसका मतलब इस वायर से कितनी करंट फ्लो हो रही है वो तो गिवन है, तो क्या इसका रेजिस्टेंस नहीं निकल के आ जाएगा, बहुत अच्छे से निकल के आ जाएगा, आर होता है वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, वी कितना गिवन है 5 वोल्ट है ना, और आई कितनी गिवन है 60 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर मतलब -10^-3, 5/60 -10^-3, क्या समझ में आया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/60 -10^-3, मतलब 1000। एम आई क्लियर टू एवरीवन, तो यहां से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये कैंसिल आउट करूं, ये हो गया, दिस इज 500/6, इसको और फर्दर सॉल्व किया जा सकता है बट बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या कहानी है, अब हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, कैसे यूनिटरी मेथड, कि अगर लेंथ हुआ 1000 सेंटीमीटर तो रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 500/6 ओम। फिर से सुनो, जब लेंथ हुआ 1000 सेंटीमीटर तो रेजिस्टेंस कितना है 500/6 ओम, और जब लेंथ कितना हो 1200 मतलब टोटल, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते, ये हो जाएगा 500/6 × 1000 × 1200, बस इसको सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी फाइनल आंसर, 0000006 से 2 टाइम्स कितना आ गया 1000 ओम। ओहो, डायरेक्ट आंसर, इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आ गया आंसर, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। डन 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 डन, एनी डाउट इन दिस, नहीं है ना, चलिए तो ये समझ में आ गया, ये थी छोटी सी कहानी किसकी, पोटेंशियोमीटर की। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट अबाउट दिस वन, ये है अब टेलीस्कोप, ये अब हम चलते हैं टेलीस्कोप की दुनिया में, वी आर मूविंग इन टू द दुनिया ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, फटाफट बता दो क्या होगा टेलीस्कोप, कौन, क्या होगा आंसर, तो अ टेलीस्कोप हैज मैग्निफिकेशन, तो टेलीस्कोप तो सर याद ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है ना, दिमाग से निकला हुआ है, चलो तो मैं कुछ कुछ चीजें याद दिलाता हूँ। टेलीस्कोप हैज मैग्निफिकेशन गिवन है 5 एंड लेंथ ऑफ इट्स ट्यूब इज 60 सेंटीमीटर, है ना, ट्यूब लेंथ गिवन है। ओके, द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस कितना होगा, तो आपको याद ये रखना है कि जब हम टेलीस्कोप की बात करेंगे या माइक्रोस्कोप की भी बात करेंगे, कुछ की भी बात करेंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, या तो वो डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी या इन्फिनिटी पे बनेगी, इसके दो अलग अलग सिचुएशन होते हैं। एक होता है फाइनल इमेज का
क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे बनना मतलब 25 सेंटीमीटर पे बनना, दूसरा होता है इन्फिनिटी पे बनना। तो अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो अपने हिसाब से हम ले सकते हैं, ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मान लिया कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। ये हमने मान लिया कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। अगर हमने मान लिया, अगर मैंने मान लिया कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या क्या फॉर्मूले हैं मैं आपको बता दूं, तो जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ये होता है एफ ओ अपॉन एफ ई। व्हाट इज एफ ओ? एफ ओ इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब जो ऑब्जेक्ट के साइड है। व्हाट इज एफ ई? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस, है ना, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। इसका मतलब ये हो गया कि जो एफ ओ है, एफ ओ वो कितना है नहीं पता, सिर्फ मैग्निफिकेशन हमें पता है ये कितना है, दिस इज इक्वल टू 5। यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि एफ ओ इज इक्वल टू 5 इंटू एफ ई। क्या यहाँ से क्लैरिटी है सबको? पहली क्लैरिटी कि एफ ओ इज इक्वल टू 5 इंटू एफ ई। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, अब गिवन है ट्यूब लेंथ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दो लेंथ से मान लो, ऐसे समझिए ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर फाइनल लेंथ, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने, तो ये जो होता है ये कितना होता है, ये भी कितना हो जाता है, एफ ई, और ये तो होता ही है कितना, एफ ओ। अगर आपको टेलीस्कोप का कुछ कुछ याद है, नहीं याद है तो नहीं, टेलीस्कोप का डायग्राम याद है तो ये समझ लेना कि कभी भी इमेज इन्फिनिटी पे बने तो हम बोल सकते हैं कि एफ ओ प्लस एफ ई जो होगा दिस मस्ट बी इक्वल टू ट्यूब लेंथ। याद रहेगा क्या? ऐसा इसीलिए क्योंकि इस लेंस, अगर मुझे फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस लेंथ पे, मतलब फोकस पॉइंट पे रखेंगे ना, फोकस पे, तो यहाँ होगा और एफ ओ तो होगा ही, जो पैरेलल रेज आएगी वो एफ ओ पे ही बनेगा, मतलब ट्यूब लेंथ कितना हो जाएगा, एल। बस हो गया काम, एफ ओ कितना है, 5 एफ ई। तो एफ ओ है 5 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, 60 सेंटीमीटर। 6 एफ ई इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो एफ ई की वैल्यू आ गई, दिस कम्स आउट एज 10 सेंटीमीटर। एम आई क्लियर टू एवरी वन? वॉट इज द वैल्यू ऑफ एफ ई? तो एफ ई की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। अब एक बार हमें एफ ई मिल गया, अगर हमें एफ ई मिल गया तो क्वेश्चन में क्या पूछा, आई पीस। अरे क्वेश्चन तो यही पूछा जा रहा था, आंसर भी आ गया, ये क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा था ना कि द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, आ गया 10 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर। डन 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 डन, समझ में आ गया सबके। अब आगे चले, तो आगे जो है ना, आगे वाला पार्ट मैं बता दूं आपको, जो आगे वाला पार्ट है शिवांगी आगे। चलो अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं आपको एक बार अनकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं, किसी ने पूछा था स्पेशल क्लास में लेता हूँ नहीं लेता हूँ, तो स्पेशल क्लास में लेता हूँ। फॉर दैट आप लिख सकते हैं unacademy.com/supri10, यू विल फाइंड माई प्रोफाइल। 8 मार्च को चैप्टर टेस्ट होगा किसका, रे ऑप्टिक्स का, 45 क्वेश्चन होंगे विथ डिस्कशन, तो ये मैं करने वाला हूँ 8 मार्च को। तो आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, अगर नहीं मिलूँ मैं तो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल बाय यूजिंग कोड supri10, वहां मैं क्लास लिंक भेजूंगा, सीधा आप एंटर करके मेरी क्लास में आ जाएंगे। ये जो चैप्टर टेस्ट है सिर्फ रे ऑप्टिक्स का नहीं होगा, बाकी चैप्टर्स, पूरे फिजिक्स का चैप्टर टेस्ट होगा। मैं बहुत जल्दी पूरा टाइम टेबल शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? और यू कैन डू वन थिंग, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, फ्री लाइव क्लास में जाओ, यू विल एंटर माई नेम, यू विल फाइंड माई प्रोफाइल, supri10 लगाओ और मेरे सारे लेक्चर को फ्री में देखो। साथ में अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप देख रहे हो तो अभी भी आपके पास मौका है, आप इनरोल कर सकते हो, क्योंकि हमारे देखो मल्टीपल बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, होने वाले हैं, तो आप इसके लिए इनरोल कर सकते हो। इवन फ्री डेमो क्लासेस भी है, तो इनरोल कर सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू अप्लाई दिस supri10 कोड टू गेट 10% डिस्काउंट, और अभी के लिए आप 3 मंथ्स या 6 मंथ का देख सकते हो। बाकी इफ यू आर टारगेटिंग फॉर 2022 एंड 2023, तो आप 1 ईयर 2 ईयर की प्लान कर सकते हो। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है आपको supri10 कोड लगाना, ठीक है? नहीं, अभी और भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है? और इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, मतलब थ्रू आउट एकेडमिक ईयर आपको हेल्प मिलती जाती है। तो फॉर दैट यू हैव टू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, उसके लिए भी यू हैव टू अप्लाई supri10 कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। ये 1 साल की फीस है, ये 2 साल की फीस है ना, कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना? तो और उसके फायदे तो बहुत सारे मैंने बता ही दिए। ओके इज ओके इज ओके, चलो इसका आंसर बता दो मुझे, इसका आंसर बताओ जल्दी से, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन बताता है, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले मुझे कौन बताता है। एक्चुअली मैं पूरे टोटल जो 25 क्वेश्चन है, दो पार्ट में इसको करूंगा मैं, अभी वाली क्लास, एक और क्लास होगी 8 PM पे, ठीक है? तो अभी जितने क्वेश्चन हो जाए उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम 8 PM वाली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, तो 1 घंटे का सेशन था वैसे। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं पहले, ठीक
8 PM पे बाकी क्वेश्चंस करेंगे। बता दो इसका आंसर क्या होगा, कम ऑन। ये इजी है, दिस इज इजियर एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। गिवन ये है कि टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास M1 एंड M2 हैव रेडियस 1 मीटर एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली। दो अलग अलग है, दोनों का रेडियस भी गिवन है अलग अलग। द ग्राफ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द टू बॉडीज विद देयर रेडियल डिस्टेंस इज शोन बिलो। ये ग्राफ ही गिवन है देखो, है ना। द वैल्यू ऑफ M1 बाय M2 इज, इसकी क्या वैल्यू होगी ये पूछी जा रही है। तो ये क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम चार्ज के टर्म में बात करें तो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई होता है। अच्छा फोर्थ आंसर है, ओके, के क्यू बाय आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ चार्ज। यहाँ ग्रेविटेशन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मॉड है ना वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर। यही तो होगा ना, जी एम बाय आर स्क्वायर। शिवांगी ऑल्सो गेटिंग डी। चेक कर लेते हैं अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है देखो, पहले वाले अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूँ जो कि गिवन है, इसको सेकंड मान लूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है जी एम अपन आर स्क्वायर, है ना। तो पूछा जा रहा है M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2, तो E1 अपॉन E2 कितना हो जाएगा। E1 अपॉन E2 हो जाएगा M1 बाय R1 का स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर अपॉन M2। यही तो हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों वैल्यू पूछी जा रही है। देखो E1 बाई E2 कितना है, तो क्वेश्चन में गिवन है E1 की वैल्यू कितनी है 2 और E2 कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 बाय 3 इज इक्वल टू M1। M1 नहीं पता हमें, तो मान लिया ये M1 ही है। R1 स्क्वायर, R1 गिवन है कितना 1 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि R1 जो है वो है 1 मीटर और जो R2 गिवन है वो कितना है 2 मीटर। तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 मीटर का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इंटू R2 स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 स्क्वायर अपॉन M2, तो M2 तो M2 ही रहेगा। यहाँ से M1 बाय M2 नहीं बता सकते, बड़ी आसानी से बता सकते हैं, तो 2 बाय 3 इज इक्वल टू M1 बाय M2 इंटू 4। यही तो हो जाएगा, का मतलब ये हुआ कि 2 से 2 टाइम्स, तो M1 बाय M2 जो हो गया तो ये हो गया 1 बाय 6। 2 2 को इधर भेज दिया तो 1 बाय 6। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मेरा तो ए आ रहा है आंसर, आप लोग के डी कैसे आ रहे थे चेक करिए एक बार, जिसके डी आ रहे थे एक बार चेक करो हाउ यू आर गेटिंग डी। राहुल सिंह कौन से किसकी बात कर रहे हो राहुल, यही तो आना चाहिए आंसर। शिवांगी एन है, फटाफट चेक करिए अपने आंसर को। मेरा तो आंसर ए आ रहा है, ये होगा ना। चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट अबाउट दिस वन, एक बार और बताओ। अच्छा बोर्ड एग्जाम बोल रहे हो, अच्छा, तो वो काफी टाइम है। सुनो इस ग्राफ को, जिसके समझ में नहीं आया ना मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, सिंपल सुनो। ये ग्राफ किसके बीच में गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में। पहले वाले के लिए देखो, पहले वाले के लिए मैक्सिमम कितना गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड 2, दूसरे वाले के लिए मैक्सिमम कितना गिवन है 3, है ना। पहले वाले के लिए मैक्सिमम कितना है 2 और दूसरे वाले के लिए मैक्सिमम कितना गिवन है 3। मैक्सिमम होता कहाँ है, मैक्सिमम होता है उसके सरफेस पे। सुनो अगर किसी समझ में नहीं आया ना मैं फिर से बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास एक ग्रेविटेशन एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, स्फेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है, इसके सेंटर पे, यहाँ पे, सरफेस पे, या आउट, मतलब 1 2 3 4 या 5, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो जो ई मैक्स होता है ना वो कहाँ होता है, इसके सरफेस पे, मतलब 3 पे मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे ही जब हम इस ग्राफ की बात करेंगे, इस ग्राफ की बात करेंगे, तो जो E1 है, E1 की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, तो इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम है कहाँ पे होता है, मैक्सिमम सरफेस पे, और वो वैल्यू कितनी है 2। वैसे ही 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये रही मैक्सिमम, और वो कितनी है टी, मतलब E1 की मैक्सिमम वैल्यू है 2 और E2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3। अच्छा कहाँ पे, सरफेस पे। तो सरफेस पे फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जो आर है ना, ये आर क्या बन जाता है, कैपिटल आर, है ना। क्योंकि सरफेस की अगर हम बात करें तो अगर रेडियस उसका R1 है तो सरफेस पे कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन R1 स्क्वायर। तो अगर मैं E1 अपॉन E2 लिखूं तो जी तो कांस्टेंट रहा, तो ये हो जाएगा M1 बाय R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर अपॉन M2। ये समझ में आया होगा, यहाँ तक क्लियर है ना। M1 अपॉन R1, तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और R2 की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो ये जो R1 R2 है हमने सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है क्योंकि सरफेस पे ही मैक्सिमम होता है, क्योंकि ग्राफ देखो ऐसा होता है ग्राफ। डन डन डन, अब समझ में आ गया होगा, अब तो कैलकुलेशन है, अब तो बाकी कैलकुलेशन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो।
इसका आंसर, आई वॉन्ट आंसर्स, मुझे आंसर्स चाहिए इसके, ये बता दो। इसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे और 8 PM पे वापस से जो बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दो। व्हेन अ प्रोटॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिवन है, देखो क्या गिवन है, गिवन ये है कि प्रोटॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 MeV मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, डायरेक्टेड अलोंग ईस्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो ईस्ट की तरफ डायरेक्टेड है। इट एक्सलरेट्स विद एन एक्सलरेशन, ए भी गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, कैसे सोचेंगे इसको, क्या सोचने कैसे सोचेंगे। तो देखो पहली चीज, स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जब कोई भी प्रोटॉन एंटर कर रहा है, एनर्जी गिवन है, तो अगर एनर्जी गिवन है तो क्या हम वेलोसिटी ऑब्टेन नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो काइनेटिक एनर्जी है ये, तो एनर्जी इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी गिवन है 1 MeV, है ना, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू मास ऑफ प्रोटोन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन का स्क्वायर, पहला पार्ट। 1 MeV मतलब 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.6 इंटू 10^-19, अभी किस में हो गया, जूल में, है ना, क्योंकि SI में सबको SI में कन्वर्ट करना है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास ऑफ प्रोटोन, वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10^-27 kg भी SI में, इंटू वी स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ से वी ऑप्टेन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, पहला पार्ट हो गया। अब आगे चलते हैं, मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलॉन्ग ईस्ट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इट एक्सलरेट्स विद एन एक्सलरेशन, देखो एक्सलरेशन गिवन है, एक्सलरेशन होता क्या है, एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, ये तो फॉर्मूला होता है एक्सलरेशन का, और ए की वैल्यू गिवन है 10^12। मुझे बताइए कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, तो क्यू वी बी साइन थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है, मतलब क्यू वी बी साइन थीटा अपॉन एम, राइट। बस इसको सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ बी, कैसे, देखो 10^12 इज इक्वल टू, चार्ज कितना होता है, चार्ज इज चार्ज ऑफ प्रोटोन, वो होता है 1.6 इंटू 10^-19 वी, तो वी हम ऑलरेडी ऑप्टेन कर चुके हैं, है ना, तो वी हम ऑप्टेन कर चुके हैं, वी हो गया इंटू बी इंटू साइन, नहीं नहीं शिवांगी अब नहीं होगी, साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा ये, तो साइन थीटा इज 90 degrees, क्योंकि वेलोसिटी इज टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स ईस्ट, तो अल्टीमेटली एंगल कितना 90, तो साइन 90 कितना होता है 1, ये हो गया, चलो मैं लिख देता हूँ, साइन 90 अपॉन मास ऑफ प्रोटोन, वो कितना होगा, तो मास ऑफ प्रोटोन होता है 1.67 इंटू 10^-27 kg। तो मुझे बताओ इस पूरे एक्सप्रेशन में कितने अननोन है, सिंगल अननोन, कौन सा, बी। तो क्या हम बी की वैल्यू ऑप्टेन नहीं कर सकते हैं, यस वी कैन ऑप्टेन वैल्यू ऑफ बी। अब बोलोगे सर वी तो अननोन है, नहीं दिख रहा है वी अननोन है, बट वी की वैल्यू इस वाले इक्वेशन से मिल जाएगी, पुट करेंगे और यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, जब आप सॉल्व करेंगे ना, सो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट ऑप्शन नंबर ए एज करेक्ट आंसर। तो मैं कैलकुलेशन पार्ट को अभी स्किप कर रहा हूँ और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मुझे लग रहा है कि अब हो गई होगी। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था, वो था एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, बस डन डन डन, क्या कुछ समझ में आ गया। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टोटल 25 क्वेश्चन हैं, 50% अभी कर लेते हैं, 50% 8 PM पे कर लेंगे, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, फिर 8 PM पे ब्रेक होगा, 8 PM पे करेंगे लास्ट क्वेश्चन अभी की क्लास का। ये होना चाहिए सबसे, ये सबसे होना चाहिए, कमान, कुछ भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। और ये थ्योरी का क्वेश्चन है, 22nd वाला क्वेश्चन है ये, अगर आपने रिवीजन कर रखा है तो। ये एक्सप्रेशन देखो क्या गिवन है, मैं हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ सरफेस इज गिवन बाय, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वेयर ए इज द नॉर्मल एरिया ऑफ सरफेस एंड क्यू इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, दिस रिएक्शन ऑफ गॉस लॉ इज वैलिड व्हेन। अरे ये तो गॉस लॉ का इक्वेशन है, और वो होता क्या है, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds, ये तो होता है, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल, यही होता है। याद करिए, जब इसको हम बाहर लाते हैं, जब इसको हम ब्रेक करते हैं, तो क्या मानते हैं, सिमेट्रिकल सरफेस, जैसे मान लो एक चार्ज है, ठीक है, गॉसियन सरफेस हम कैसा लेते हैं,
सी, ओके शिवांगी सिंह सी. क्वेश्चन इज व्हाई नॉट बी, व्हाई नॉट बी शिवांगी, सी इज द करेक्ट आंसर, बट व्हाई नॉट बी, तो उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखो अगर एक चार्ज है ना, तो जो हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो हम बनाते हैं इस तरीके से कि वो सिमेट्रिकल हो. ऐसा क्यों बनाते हैं? ऐसा इसलिए बनाते हैं कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा और एरिया जो है वो भी बाहर की ओर होगा, मतलब एंगल कितना होगा 0 डिग्री. यहाँ की बात करें तो जो एरिया होता है वो बाहर की ओर होता है, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, और वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर, मतलब एंगल वापस 0. किसी भी पॉइंट लो आप, सब में क्या बाहर की ओर है? यस. इसका मतलब ये हुआ कि दो कंडीशन है, पहले तो ई क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट, और साथ में दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री, तभी तो कॉस 0 होगा. मतलब ये ऐसा हो जाएगा ना, देखो ई वेक्टर देन डीएस वेक्टर कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट. तो अब ई बाहर आ जाएगा, है ना, ई बाहर आ गया, कॉस 0 1 होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस क्या बन जाएगा? ये बन जाता है ए, साथ में मॉड लगा दिया हमने, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. मतलब अगर ई की वैल्यू मैं ऐसे लिखूं, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन ए मॉड एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब ये हुआ, ये तभी लिख सकते हैं फर्स्ट जब ई क्या रहे? कांस्टेंट, तभी हम ई को बाहर ला सकते हैं इंटीग्रेशन से, फर्स्ट पॉइंट. तो बी और सी को अगर आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ई फील्ड इज कॉन्स्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज कॉन्स्टेंट, है ना. तो ए तो नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, बी और सी में मुझे चूज करना है. बट सी में क्या है? एंड द सर्फेस इज इक्विपोटेंशियल. यस, ये पोटेंशियल पे, वी नो दैट इक्विपोटेंशियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो तभी तो हम इसको बाहर ला सकते हैं, क्योंकि एंगल क्या होना चाहिए? 0. एंगल 0, तभी तो कॉस 0 1 हो जाएगा. तो इसकी कहानी खत्म हो गई, तभी तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है. आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए सर्फेस क्या होना चाहिए? इक्विपोटेंशियल बी. तो बी नहीं होके क्या हो जाएगा? सी. बी सही है, अपने आप में बी सही है, बट सी उससे ज्यादा सही है, क्योंकि सिर्फ उतना ही नहीं, साथ में इक्विपोटेंशियल भी होना चाहिए टू गेट दैट कंडीशन. दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट वन. नाउ क्लियर? चलो, तो आई एम होपिंग कि आज की क्लास का कंटेंट समझ में आया होगा. इसी क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 से हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 25. कब करेंगे? तो आज ही करेंगे, टुडे एट 8 PM पे. तो आप लोग 8 PM पे आ जाना, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन को समझेंगे. ऑलराइट? और कुछ डाउट है आप लोग तो पूछ लीजिए, अगर कुछ डाउट नहीं है तो फिर मैं आज की क्लास को यहीं खत्म कर रहा हूँ. और साथ में दिस इज टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं ये नोट्स अभी भेजने वाला हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यहीं पे मैं नोट्स अभी अपलोड कर दूंगा. ठीक है? हाँ शिवांगी, तो इसके लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अभी भी आप प्लान कर सकते हो. अगर आपको मान लो कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज लेना है, मल्टीपल एजुकेटर चाहिए, तो आप प्लान कर सकते हो. इसके लिए यू हैव टू गो प्लस पे, नीट जेई पे जाइए, देन गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे. ये रहा फीस स्ट्रक्चर जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. यू हैव टू अप्लाई सुप्री 10 कोड टू गेट 10% डिस्काउंट. वैसे ही आइकॉनिक के 10% डिस्काउंट लेना है. तो आई एम होपिंग आज की क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. ठीक है, बता दिया शिवांगी? हाँ, ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं 8 PM पे वापस से आपके प्यारे से हेलो फिजिक्स चैनल पे, हम मिलते हैं फिर से. ठीक है, बाय बाय.